हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है औरंगज़ेब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह अपने जायज़ कैश या इजी पैसा अकाउंट में बाइनांस से विड्रावल ले सकते हैं। सब कुछ आपको लाइव करके दिखाऊंगा। मेरे पास कुछ USDT पड़े हैं तो मैं इनको विड्रा करके दिखाऊँगा कि आप किस तरह विड्रा करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि आपके पास जो USDT पड़े हैं वो आपके फंडिंग वैलेट में पड़े हैं या कि स्पॉट वैलेट में पड़े हैं। अब आपको ये पता कैसे चलेगा अगर आप नए यूज़र हैं तो वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। तो ये देखने के लिए कि आपके पास जो USDT पड़े हैं या फंडिंग वैलेट में पड़े हैं, तो उसके लिए आपने वैलेट पे करना है सिंपली क्लिक, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने ट्रांसफ़र के बटन पे क्लिक करना है। जब आप USDT यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं तो जो आपके जो USDT होते हैं वो आपके फंडिंग वैलेट में होते हैं। जब आपने वहाँ पर अगर कोई कॉइन बाई करना है तो आपको डिपॉजिट करने पड़ते हैं अपने USDT स्पॉट वैलेट में। तो जब आप कोई कॉइन सेल आउट करते हैं और विड्रा करवाने लगते हैं तो आपको स्पॉट वैलेट से दोबारा फंडिंग वैलेट में वो ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं USDT, और फिर आप जाकर विड्रा करवा सकते हैं। तो क्योंकि मेरे पास स्पॉट वैलेट में पड़े हैं तो मैं ट्रांसफ़र के बटन पे क्लिक करूँगा। ट्रांसफ़र पे के बटन पे क्लिक करने के बाद ये ऊपर जो आपको यहाँ से एरो नज़र आ रहा है, अगर ये नीचे होगा स्पॉट वैलेट नीचे होगा, फंडिंग ऊपर होगा, तो आपने इसको इसकी डायरेक्शन चेंज करके स्पॉट वैलेट को ऊपर रखना है और फंडिंग वैलेट को नीचे रखना है। अब हमने क्योंकि USDT विड्रा करवाना है तो हम यहाँ से USDT को सर्च कर लेते हैं। USDT को सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर नीचे नज़र आ रहा है, लेकिन अगर ना नज़र आए तो आपने यहाँ से इसको सर्च कर लेना है। तो मैं इस पर कर देता हूँ सिंपली क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसको कर देते हैं मैक्स। मैक्स करने के बाद हम कर देते हैं यहाँ से कंफर्म ट्रांसफ़र। ये अब जो मेरे USDT है ये मेरे अपने जो फंडिंग वैलेट हैं वहाँ पर आ चुके हैं। अब हम इसे विड्रा करवा लेते हैं। हम दोबारा चलते हैं ट्रेड पर। ट्रेड पर जाने के बाद आपको ये ऊपर P2P का सेक्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो ऊपर आपने सेल के बटन पर क्लिक करना है, सेल के बटन पर क्लिक करने के बाद आपने अपना सिंपली यहाँ से पेमेंट मेथड चूज़ कर लेना है कि आपने किस पेमेंट मेथड के थ्रू यहाँ से विड्रावल लेना है। तो मैंने जायज़ कैश में लेना है, तो हम यहाँ से करेंगे जायज़ कैश को सिलेक्ट, और यहाँ से हमको ट्रेडर ढूंढ लेते हैं जो कि $35 का हमें विड्रा दे सके। क्योंकि इनकी लिमिट काफ़ी ज़्यादा है तो मैं इनसे नहीं डील करूँगा। हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, तो ये एक मैंने ढूंढ लिया ट्रेडर जो फाइव थाउजेंड से लेकर तकरीबन 3 लाख रुपए तक ये आपको विड्रा दे सकता है। तो आपने इनकी रैंकिंग ज़रूर चेक करनी है, ये आपको साथ में रैंकिंग भी नज़र आ रही है, और उसके बाद आपने नीचे देख लेना है कि ये किस किस मेथड के थ्रू आपको विड्रा दे सकेगा। तो सब उसके बाद आपने सेल के बटन पर कर देना है यहाँ पर क्लिक, और उसके बाद आपने यहाँ पर आल के बटन पर क्लिक करना है। तो मैंने क्योंकि $35.7 के यहाँ पर मेरे पास पड़े तो मैं यहाँ पर 35 सेलेक्ट कर लेता हूँ, 70 सेंट वापस इसमें रहने देता हूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपने जो अपना जायज़ कैश है पेमेंट मेथड वहाँ पर ऐड कर लेना है। क्योंकि मेरा ऐड हुआ इसलिए मैं इसको अब छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैंने जायज़ कैश से यहाँ से विड्रावल लेना है। तो मैंने जायज़ कैश को सिलेक्ट कर लिया, और अब हमने सिंपली क्लिक करना है सेल विद 0 फी पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपने टर्म एंड कंडीशन जो फाइनेंस की है वो अच्छी तरह से रीड कर लेनी है। उसके बाद सेल विद 0 फी पर आपने क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर चैट के बटन पे क्लिक करना है। चैट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली इससे चैट करनी है, और आपने अपना यहाँ पर इनको जायज़ कैश का नंबर सेंड कर देना है। उसके बाद ये पहले आपको आपके पैसे देंगे आपके अकाउंट में, और उसके बाद यहाँ पर आपने कंफर्म ट्रांजैक्शन पे बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम इससे बात कर लेते हैं कि अभी ये ऑनलाइन है या नहीं। तो आपको ये बता रहा है कि अगर आप 25,000 रुपये से कम का विड्रा लोगे तो ये आपसे 200 रुपये फ़ीस डिटेक्ट करेगा। तो क्योंकि मेरे थोड़े पैसे हैं तो इसलिए मैं 200 रुपये मैं इसको फ़ीस देने लगाऊँ, तो उसके बाद मैं आपको विड्रा करवा कर दिखा देता हूँ। क्योंकि ये मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, अभी से यहाँ से कैंसिल कर दूँगा। मैं कोई और बंदा देखूँगा जो कि अभी ऑनलाइन बैठा हो और मुझे रिप्लाई कर सके। तो चलिए मैं कोई और बंदा ढूँढ कर आपको दोबारा समझा देता हूँ कि आपने किस तरह यहाँ से विड्रावल लेना है। यहाँ पर ये अभी ऑनलाइन नहीं बैठा है इस वक्त, ये जो कह ले आपके ट्रेडर है, तो ये ऊपर मुझे बाइनांस टाइम बता रहा है कि 3 आवर यानी कि 4 आवर के अंदर अंदर अगर आपको ये पेमेंट नहीं करता तो आपका आर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और आप किसी और ट्रेडर से फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं वेट करूँगा और दोबारा से यहीं से वीडियो रिकॉर्ड करके आपको सारी डिटेल दूँगा। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा चैट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने जो पेमेंट है वो रिलीज़ कर दी है। और अब मैं आपको अपना जायज़ कैश अकाउंट खोल कर दिखा देता हूँ क्या मुझे पेमेंट वो रिसीव होगी है या नहीं। तो चलिए मैं यहाँ से जायज़ कैश को अपने को ओपन कर लेता हूँ और अपना अकाउंट लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ।
तो आप देख सकते हैं कि मेरे जायज़ कैश अकाउंट में मुझे ये पेमेंट रिसीव हो चुकी है और मुझे ये देख सकते हैं आपको बनास का मैसेज भी आ चुका है। अब हमने अगला काम क्या करना है, हमने यहाँ से चले जाना है, ऊपर से इसको कट कर देना है और यहाँ से पेमेंट रिसीव के आइकन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने क्लिक करके पेमेंट को यहाँ से आपने आई हैव ये दोनों इनकी टर्म एंड कंडीशन को आपने इनमें से एक चूज़ कर लेना नीचे वाला, यहाँ पर आई हैव रिसीव्ड द पेमेंट, तो यहाँ पर आपने कंफर्म के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सेंड कोड के बटन पर क्लिक करना है। आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करके यहाँ पर सबमिट कर देना है, तो आपके जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे और जो आपके जो जितने भी USDT आपके पास पड़े थे वो सेलर के पास चले जाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।